पैगंबर खान साहब हमारे जो भोपाल से हैं और हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर, रोहित कुमार सिंह हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर, उस्मान सर हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर और मैं फिल्म का राइटर डायरेक्टर राहुल के सिंह। राहुल भाई क्या कहना चाहेंगे, मेरा माथुर का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च हुआ, क्या फिल्म के बारे में बताइए, क्या कहानी है, किस तरह से आपने बनाया, कहा जा रहा है कि रियल बेस स्टोरी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ये एक रियल इंसिडेंट से बेस करती है और ये एक औरत की एक ऐसी कहानी है, एक हर एक औरत की जो हम लोग देखते हैं कि आज के समाज में औरतों के ऊपर में इतने सारे अत्याचार हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो हमारे जो मर्दाना समाज जो है औरतों को अलग नज़र से देखना चाहता है, तो यहाँ पे कि एक औरत को एक सम्मान की ज़रूरत के ऊपर पूरी चल रही है। तो एक ऐसी एक घटना थी जिसके ऊपर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ से इंस्पायर है, तो बस एक चाहता हूँ कि एक औरत को एक सम्मान मिले और एक औरत का जो औरत आज के जितनी समाज में जितनी भी औरतें हैं सब लोग को सम्मान की ज़रूरत है, तो ये सिर्फ सम्मान के लिए खरीदा। फिल्म के कलाकारों के बारे में बताइए। फिल्म में जो हमारी फिल्म के जो मेन मुख्य अदाकारा है उनका नाम है खुशी राजपूत, जिन्होंने मीरा का कैरेक्टर किया है, और उनके हस्बैंड का कैरेक्टर किया है अश्विन कपूर ने, जो कैरेक्टर नेम दर्पण है, और एक कैरेक्टर और है हमारे आलन कपूर जो हमारी फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, और एक कैरेक्टर और है रमन, क्योंकि ट्राइंगल बेस पूरी फिल्म रही है ये, और एक औरत एक तीन लोगों के बीच में किस तरीके से खुद का एक वजूद ढूंढ रही है। सर फिल्म की जैसे कि आपने कहा कि फिल्म में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो आज महिला दिवस है, तो क्या आज का दिन डिसाइड था कि आज के दिन ही हम इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे, मतलब पहले से डिसाइड था कि महिला दिवस के मौके जी 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 हमारे काफ़ी टाइम से की प्लानिंग चल रही थी कि एक प्रॉपर एक टाइम मिले, तो आज महिला दिवस है, आज विमेंस डे के साथ में एक हम लोग एक औरत को सम्मान के साथ में रखी विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, मीरा माथुर जो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और पूरी टीम से क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह से पूरी टीम ने काम किया? मैं पूरी टीम को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि टीम ने 24 घंटे मेहनत करके आज इस फिल्म को फ्लोर पे लेके आए हैं, बहुत जल्दी हमारे देश के दर्शकों के सामने होगी, और ये फिल्म महिलाओं के सम्मान में महिलाओं को समर्पित है। स्टोरी कैसे आप तक पहुंची कि आपने इसे डिसाइड किया कि इस फिल्म को हम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या खास लगा फिल्म की कहानी में? नहीं, आज जो कल्चर चल रहा है महिलाओं को लेकर, महिलाओं का जो उत्पीड़न, उसको देख के हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, इस पर अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, उसको लेके हमने एक अच्छी फिल्म बनाई, एक समाज को मैसेज दिया ताकि महिलाओं का सम्मान करें और मर्दों में जो अपनी कमियां हैं उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं और अपने आप में सुधार करें और महिलाओं को सम्मान दें। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं बस यही बोलूँगा कि ये फिल्म एक बार सब लोग देखें, देख के इससे सीखें कि ऐसा क्या है इस फिल्म में जो इतना मेहनत किया है सब लोगों ने इस मूवी को। बस रिलीज़ का क्या प्लान है, कब तक रिलीज़ करने वाले, कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक हमारे 20 मार्च की हमारी पूरी तैयारी चल रही है और 20 मार्च को पूरे हिंदुस्तान के सिनेमाघरों में फिल्म नज़र आएगी, और फिल्म को बनाने के लिए और रिलीज़ के लिए जो हमारे तीनों प्रोड्यूसर हैं इन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए, मैं इस फिल्म का सिर्फ एक क्रिएटिव पार्ट हूँ, एक एज अ राइटर डायरेक्टर इस फिल्म पे एक फिल्म को एक शेप देने के लिए था, लेकिन उस शेप को प्रॉपर ढाल चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हमारे तीनों प्रोड्यूसर ने मिलकर हमारे फिल्म के लिए आगे लेकर आ रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? आज महिला दिवस है, सबसे पहले तो उन महिलाओं को मैं सम्मान देना चाहूँगा जो अपने घर के साथ साथ समाज को भी संभालती है और समाज में वो हिस्सा बनती है जो समाज को एक रोल अदा करने पर मजबूर करती है, ये फिल्म उसी का एक पार्ट है। एक औरत है जो समाज को एक मैसेज देती है कि औरत कभी भी अबला नहीं है, और एक शक्ति है, शक्ति का रूप है। हम लोगों ने इस पिक्चर को इसी तरह से प्रेजेंट किया है कि औरत कभी भी अकेली नहीं है इस दुनिया में, अगर वो ठान ले कि मुझे करना है तो करना है, और हम लोगों ने इसी आज के दिन के लिए इसे चुना था कि महिला दिवस पे इसका ट्रेलर और म्यूज़िक लॉन्च करेंगे, तो लोगों का मैसेज जाएगा एक औरत की ज़िंदगी से हम कितना लोग खेलते हैं, पर कोशिश करें कि औरत को पहले समझे कि औरत है क्या, और इस फिल्म में हम लोगों ने यही समझाने की कोशिश करी है दर्शकों को कि औरत को औरत ना समझ के औरत को एक माँ, बेटी, पत्नी और हर तरह का वो सम्मानित रूप समझे जो इस समाज में आज ज़रूरत है।
हम सिर्फ ये समझते हैं औरत इस्तेमाल की चीज़ है, औरत ज़रूरत की चीज़ है, औरत हमारा काम करेगी, वो सब नहीं है। औरत आज बहुत आगे निकल गई है, इंदिरा गांधी हो चाहे सुनीता चावला हो, कोई भी हो, औरत का एक रूप है, उस रूप को हमें आगे ले जाना ही पड़ेगा। आज हमारी वित्त मंत्री सीतारमन एक औरत है, पहले वो रक्षा मंत्री भी थी। रक्षा मंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, मगर औरत ने साबित किया कि औरत ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, वो देश की रक्षा भी कर सकती है और घर की भी रक्षा कर सकती है और अपनी भी रक्षा कर सकती है। तो मैसेज यही है समाज में कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें और जानें कि इस फिल्म में ऐसा है क्या कि एक औरत ने अपने आप को साबित किया है कि मैं मीरा माती हूँ, जो कभी ना टूटी है ना कभी हारी है और ना वो हार सकती है। फिल्म का जब शेप हमने हमारे समझ में आया और जब देखा कि एक शेप मिल रहा है कहानी का, और जिस एक्चुअली जो कैरेक्टर जिनकी लाइफ के ऊपर कहानी है, एक्चुअली उनका नाम मीरा नाम था और माथुर टाइटल उनका नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा सा अभी सिनेमेटिक एंगल देखना पड़ता है, ड्रामेटिकल तरीके से उसका नाम प्लान किया। फिर तो उन्होंने परमिशन दिया अपना नाम रखने का? सर मीरा तो हमारी भगवान श्री कृष्ण की भी मीरा है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं था, अच्छा एक नाम है और एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है ये पूरी फिल्म। और मैं तो हमेशा एक ही बात करूँगा कि लोग एक बार देखें सिनेमा को और उन्हें पता चलेगा कि एक औरत के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी अपने खुद की इंडिपेंडेंसी ढूंढती है। वो तो यहाँ पे खुद की इंडिपेंडेंसी ढूंढने के लिए, एक आज़ादी ढूंढने के लिए उसकी एक जर्नी है, तो जब सारी चीज़ें फेल होती हैं तो किस तरीके से वो एक्शन लेती है। You don't know. बढ़ जाएगा उससे कम नहीं होगा। आर के भी यानी राजकुमार जी, आप ये बताएं कि इसको आप अरेंजर कर रहे हैं तो कितने सिनेमा घर में रिलीज करेंगे? अभी पता ही नहीं ना, 150-200 You don't know. Destiny. 20 तारीख तो ज्यादा दूर नहीं है, पर अभी कल से हम लोग मोशन में आ रहे हैं ना। बोल अच्छा, इसको सेंसर बोर्ड से कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? एडल्ट। और पूरी फिल्म की लेंथ कितनी है? 1 घंटा 45 मिनट्स 105 मिनट्स एक सेकंड। ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च हुआ तो आप लोगों को कैसा लगा फिल्म का? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ये है ना, बैठे बहुत बढ़िया। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ट्रेलर कैसा लगा? एक्सीलेंट, सुपर सुपर। ये सर्टिफिकेट की फिल्म को आप जो है दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं? आइए एडल सारे आइए और बार बार देखिए। और नारी से ही शुरुआत की जाए। ठीक है मैम, आप अपने मुझे बताइए। हाय, मेरा नाम खुशी राजपूत है। सो यू गाइस आर प्लीज वेलकम टू आस्क मी व्हाटएवर यू गाइस फील लाइक। मैम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फिल्म? क्या है मतलब थीम क्या है और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? व्हाट रियली मोटिवेटेड यू टू यू नो बात इट फॉर अस? सो जब मुझे ये स्टोरी ऑफर हुई थी तब तक तो ऐसा नहीं लग रहा था दैट इट इज़ ऑल अबाउट वीमेन, बट वेन आई वेंट ऑन अ सेट आई रियलाइज दैट इट्स मोर अबाउट वीमेन थिंग एंड इट्स एम्पावरमेंट एंड इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर। द कैरेक्टर सो स्ट्रॉन्ग, आई नेवर थॉट, बट आफ्टर व्हेन आई सी द फिल्म नाउ इट शोज लाइक इट्स ऑल अबाउट द वीमेन। तो पोस्टर काफी सेंसुअल लग रहा है, मतलब क्या किस तरह का थीम है? देखिए, एक नारी का बताया जा रहा है कि उसके कितने चरित्र हैं, जिस तरीके से हम किसी पे भी उंगली उठा देते हैं बट रियलिटी वो नहीं होती, तो उसी चीज़ को दर्शाया जा रहा है पर्दे पर कि आप लोग उस चीज़ को समझो और उसको सम्मान दो कि जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। और इस मूवी में काफ़ी सस्पेंस है, थ्रिलर है, किस सिचुएशन से वो नारी गुजर रही है, खुशी जी जो है, मीरा माथुर जो है, वो गुजर रही हैं, उसको दर्शाया गया है पर्दे। आपका किरदार? सर मैं जो हूँ ये वाइफ है मेरी, तो मैं इनका हस्बैंड हूँ, मिस्टर माथुर। तो किस तरह के इक्वेशन को फोकस कर रहा है, मतलब जो चैलेंजेस होते हैं रिलेशनशिप्स में, या कोई डार्क साइड है क्या? बेसिकली डार्क साइड है कि एक रिलेशनशिप को निभाना कितना मुश्किल है। आज के टाइम में एक साथ होना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, आगे बढ़ती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम मीरा माथुर को फेस करनी पड़ती है, फिर मिस्टर माथुर उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे नहीं कर पाते, तो इस तरीके से दर्शाया गया है। पूरा सस्पेंस थ्रिलर आपको दिखेगा, पूरी फिल्म जो है आपको पकड़ के रखेगी, हमेशा आपको लगेगा कि ये ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा क्यों नहीं है, तो एंड तक वो सस्पेंस है तो आपको मूवी जो है पकड़ के रखेगी। सर योर इंट्रोडक्शन आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर प्लीज़ आप। मैं प्रोड्यूसर हूँ मुनव्वर खान, मूवी एंड मूवी।
सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम को, मेरे हीरो हीरोइन, हमारे डायरेक्टर साहब को बधाई देता हूँ, और पूरे देश की महिलाओं को बधाई देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस है। तो फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों से भी और भारत के सम्मानीय सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि फिल्म को जरूर एक बार देखें और अपने व्यूज़ दें, और इस फिल्म के पूरे प्रोडक्शन हाउस को जो रिलीज कर रहा है उसकी पूरा सबको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, योर इंट्रोडक्शन नंबर बताइए। मेरा नाम राहुल सिंह नाम है, मैं फिल्म का राइटर डायरेक्टर हूँ, और ये फिल्म बनाने के लिए मुझे खान साहब की मूवी एंड मूवी पिक्चर्स, कार्तिक फिल्म प्रोड्यूसर रोहित कुमार सिंह, ताज ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, मिस्टर उस्मान सर, तो इन सब की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी थी। और जब मैं कहानी जब लिख रहा था तो मेरे साथ में काफ़ी, जब मैंने कॉन्सेप्ट रेडी किया फिर मैंने अपनी कोर टीम के साथ डिस्कस करने के बाद, मेरे को राइटर हैं मेरे वर्मा जी, सभाजीत वर्मा, तो उनके साथ मिलकर हमने प्लान किया, और फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहानी सुनाई, कहानी सुनाने के बाद सब चीज़ उनको समझ में आया कि फिल्म अच्छी है। फिर उसके बाद मैं बहुत बढ़िया एक एक्टर को प्लान कर रहा था पहले, हम लोग सोचते हैं कि यार हम किसी को एक प्लान करते हैं कि सबके सपने होते हैं कि मैं भी ताजमहल मेरे घर के सामने हूँ, पर ये होता नहीं। कि मैंने ये कहानी लिखी थी पहले मैंने हुमा कुरैशी के लिए, तो जब मुझे लगा कि हुमा कुरैशी से अच्छी तो मेरी खुशी भी निकली, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और खुशी ने बहुत मेहनत की फिल्म के लिए, और जैसा कैरेक्टर मेरा चाहिए था मुझे, खुशी ने एग्जैक्ट वही कैरेक्टर मेरे को सामने, मेरे रोल को जस्टिस करके दिया, मेरी मीरा एग्जैक्ट मीरा बन के आई है, और उनके जो माथुर कैरेक्टर थे दर्पण जी। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूँगा, जब मुझे राहुल जी ने स्टोरी सुनाई मैंने इनको मना कर दिया, मैं इससे नहीं होगा। राहुल जी ने कहा नहीं आप ही करोगे, मैं आपसे ही करवाऊँगा। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा, कह रहे नहीं आप ही करोगे, और इन्होंने बहुत मेहनत करी है, उस्मान जी, मुनव्वर जी, ताज फिल्म एंटरटेनमेंट, सबने काफ़ी मेहनत करी है और आज हम यहाँ तक पहुँचे। खुशी समझने का बड़ा बैकग्राउंड, पहले क्या कहता है, डेब्यू फिल्म है या जो पहले प्रोजेक्ट किए हैं? नहीं, पहले मेरी मराठी फिल्म रही है, मैंने साउथ में भी काम किया है, और साउथ में मैंने सयाजी शिंदे के साथ काम किया विच इज़ तेलुगु फिल्म, एंड मैंने तमिल में भी काम किया है विच इज़ हॉरर फिल्म, सो वहाँ पे भी आर्टिस्ट सारे न्यू थे, और हीरोइन नून थी जिन्होंने मोहनलाल के साथ काम किया है, बट लकीली और यू से अनलकीली दे हैवंट रिलीज्ड इट, बट मंजू इज़ गोना रिलीज सून। सर वो तो आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। नहीं, वो तो फिल्म देखेगी दर्शक, हाँ। लेकिन अभी जो है आपने फिल्म कर लिया है, फिल्म आपकी रिलीज हो रही है, तो आप ये बताएं कि खुद में कितना मेरा नजर आती है। इस बात का मैं जवाब देता हूँ, जवाब ये है इसका कि खुशी की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ, एक्चुअली मीरा जो है ना, आप सिर्फ एक नाम है, एक्चुअल मीरा का मतलब जो हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होते हैं कि एक औरत भगवान श्री कृष्ण से कितना प्यार करती थी, तो यहाँ पे भी यही वो एक औरत है, खुशी जो मेरा मीरा कैरेक्टर है, वो खुद से इतना प्यार करती है, एक औरत से, एक विमन से, खुद एक इतना प्यार करती है कि वो खुद एक विमन होने का जो कुछ सम्मान की ज़रूरत है उसकी फाइट की है उसमें। सर, अबाउट योर बैकग्राउंड, आपने? सर मैं वैसे मॉडलिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं लॉरियल था, मैंने काफ़ी एड शूट्स किए हैं, प्रिंट शूट्स करे हैं, बट मेरा जो डेब्यू है वो राहुल जी के थ्रू। आपकी रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करती है? मेरे, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। सर मेरा रियल लाइफ में कैरेक्टर बहुत अलग है, बट जो मैंने उसमें प्ले करा है वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, और इतना मुझ में टैलेंट है जो कि राहुल जी ने मेरे अंदर से निकाला। मेरे फिल्म में कुछ स्मोक के शॉट्स थे, तो मैं कुछ अश्विन को बोलता था भाई तू तो स्मोक क्यों नहीं कर रहा है, और ये स्मोक करता नहीं है, ये ड्रिंक नहीं करता है, और बहुत प्योर बंदा है, और लेकिन जब इसको जब मैंने स्मोक के लिए ऑफर किया, ये परेशान चार रास्ते घूमता था रात में बैठ के, मैं स्मोक कैसे करूँ, तो लेकिन फिर भी इसने किया। लेकिन इसमें पूरी मेहनत राहुल जी की है, बिकॉज उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मैंने उसको स्क्रीन पर ला पाया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं हूँ ही नहीं, बट उन्होंने वो चीज़ बाहर निकाली मेरे अंदर से, तो आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा। नहीं, अश्वनी जी ने बहुत अच्छा प्ले किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वेरी नाइस। मैं एक बार फिर इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। समाज के लिए क्या मैसेज है, आज वुमेन डे है, वुमेन के लिए इसके अंदर क्या मैसेज है? सर वो मैंने आपको पहले ही बताया था।
समाज के लिए इसमें एक इतना बड़ा एक मैसेज है कि आज के टाइम में जो इतनी सब मैटर चल रहा है कि हम हर जगह पर हर मोड़ पर देखते हैं कहीं एक रेप हुआ, कहीं बच्चियों के साथ इतना कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी आंख बंद करके बैठे हैं, सरकार को कोसते हैं, हम खुद में क्यों नहीं बदल रहे हैं? हम बात करते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े क्यों पहने, पहले हम खुद को तो बदल के देखें ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक वही एक मैसेज है, औरत जो बार बार हम बोले औरत का एक सम्मान चाहिए। हर कोई यहाँ पे बच्चियों के साथ में इतना कुछ होता है और हर किसी के साथ में एक अत्याचार हो ही रहा है। सिर्फ एक वो अत्याचार को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए कि ये सिनेमा है, क्योंकि सिनेमा एक आईना है। हम लोगों को कितना भी आंखों से दिखाने की बात कर ले कि यार बेटा तुम ये मत करना, हम पुराने बुजुर्गों से एक बात सुनते थे ना कि बच्चे कहते हैं ना हमेशा बड़ों से सीखते हैं, लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि बच्चे कभी नफरत नहीं करते हैं, और हम बड़े लोग क्यों नफरत कर लेते हैं दूसरे से? आपके ही बच्चे होंगे, पड़ोस में खेलते हैं, कौन से बच्चे एक दूसरे के बच्चे से नफरत करते हैं कि उसको गला काटने चला जाता है? लेकिन हम बड़े आपस में प्लान कर लेते हैं कि यार वो कैसे बात करके कि मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा राहुल जी, इस फिल्म के दौरान शुरू से लेके अब तक जी जी आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर देखिए, दिक्कतें तो जब एक दिक्कत का देखिए इसका कोई एंड है नहीं, और ये सवाल एक ऐसा है, एक मिथ है। दिक्कत हर काम में है, लेकिन जब दिक्कत खत्म होती है तो एक सुकून जो आता है, जो हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ वो दिक्कत का ये सुकून है, बस इस सुकून के आगे वो दिक्कत का सब खत्म हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें क्या खास बात है? उसमें खास बात ये है, इसमें खास बात ये है, जो 20 मार्च जो आपने जो सवाल किया कि क्यों देखने जाएं, देखिए पहले बात तो क्यों, ये एक ऐसा सवाल है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हर शब्द के पीछे क्यों जो लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो हर जगह, हम घर से क्यों निकले, हम घर से गए तो उस रास्ते से क्यों नहीं गए, वो क्यों कभी खत्म नहीं हो सकता, वो एक मिथ है। ये सिनेमा एक एंटरटेनमेंट भी है और एक मैसेज भी है कि मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से मेरी बच्ची घर के बाहर निकले तो कॉन्फिडेंटली निकले कि हाँ मैं हम बचपन में प्लान करते हैं ना, मेरा बच्चा मेरी बेटी बड़ी होके IPS ऑफिसर बने, हर कोई चाहता है, लेकिन जब घर से निकलती है तो क्या बोलते हैं, बेटी संभल के चलना, बाहर रास्ता खराब होगा, बेटी स्कूल जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए 4 बस छोड़ देती है, यार मैं क्यों चढ़ूँ स्कूल की बस में, इतनी भीड़ है, और हम सपने दिखाते हैं कि वो IPS ऑफिसर बनेगी, या तो वो सपने मत दिखाओ IPS ऑफिसर के, या तो घर से निकलने के लिए उसको हिम्मत दो। कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए ना मीरा माथुर के लिए पब्लिक क्यों जाए? इसीलिए प्लस पॉइंट ये कि जो हम अपने घर की औरत पे जो ब्लेम करते हैं, वो औरत को वो ब्लेम ना करके हम खुद को समझे पहले। देखिए फिल्म की यूएसपी क्या है? देखिए फिल्म को इसलिए देखना चाहिए कि आप एक समाज में रह रहे हैं, इस समाज के अंदर हमें किस तरीके से एक महिला की को सम्मान करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि फिल्म क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैं राहुल जी हमारे साथ हैं, रोहित जी हैं, उस्मान भाई जी हैं ना, सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज वुमेंस डे पे एक अच्छी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं जो, और जैसा कि मैंने सुना बहुत अच्छी फिल्म बनी है, है ना, कब 20 मार्च को रिलीज हो रही है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ऐसी फिल्में चलेंगी तो हम जैसे लोग जो घर में बैठे उनको काम मिलेगा। देखिए आज वुमेंस डे है तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और महिलाएं हैं तो हम हैं, है ना, तो बिल्कुल ये जो फिल्म है मीरा माथुर, ये महिलाओं को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम को लेकर के, और वो किस तरह अपनी प्रॉब्लम से सामना करके उसको लेकर के फिल्म बनी है, तो मुझे उम्मीद है बड़ी अच्छी फिल्म बनी होगी, है ना राहुल भाई? सो मैं पूरी अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ, और मेरी शॉर्ट फिल्म भी आ रही है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है, रिस्पेक्ट वुमेन इस शॉर्ट फिल्म का नाम है। सो बड़ी मेहनत की हमने, तो उम्मीद है आप सबको भी बड़ी पसंद आएगी, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए चूँकि बहुत गैप हो गया था। यस, और महिलाओं के बारे में, वुमेन्स के बारे में जो आज अलर्टनेस अवेयरनेस है, ये आज के ज़माने में दिखाना बहुत जरूरी है। मीरा माथुर मेरे ख्याल से 20 तारीख को आ रही, 20 मार्च को आप देखिए मीरा माथुर। हाँ, और आज है 8 मार्च यानी वुमेन्स डे, और वुमेन्स डे के दिन आप यूट्यूब पे रफ बुक पिक्चर्स जो मेरा चैनल है, और मेरे चैनल पे सबसे पहली शॉर्ट फिल्म है, सबसे पहली वीडियो है जिसका नाम है रिस्पेक्ट वुमेन,
तो इसे जरूर देखें, इसमें पापा भी हैं, मैं भी हूँ, इसमें पायल वाधवा है, इसमें मेहुल भोजक है, रिस्पेक्ट वुमन के डायरेक्टर हैं मिस्टर अजहर हुसैन। अजहर हुसैन यहाँ पे है। अजहर भाई क्या बात है, अजहर भाई आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं भाई। मैं राहुल भाई से ये वादा करता हूँ, आप लोगों के सामने वादा करवाता हूँ, अगली फिल्म में मैं जरूर हूँ। नहीं जरूर जरूर सर, मेरी एक सेकंड फिल्म का मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल मैंने दो फिल्में और साइन की हैं और दोनों ही फिल्में मेरी मल्टी स्टारर, एक छोटी फिल्म से मेरी शुरुआत हुई लेकिन जो मेरी दोनों फिल्में हैं और बहुत खूबसूरत फिल्म है और फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कमाल की दोनों फिल्में हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी और वो मल्टी स्टार फिल्म है, यानी कि ये छोटी फिल्म छोटी नहीं बोलूँगा, उधर एक फीलिंग होती है, बड़े लोग हैं सब उसमें, कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है उसका कंटेंट और महिला से बड़ा कंटेंट इस दौर में कौन सा है भाई, बताओ जरा। और मैं आज के दिन आप सबके चैनल के माध्यम से ऐसी दुआ करता हूँ कि हमारे देश में जो कोरोना की जो बीमारी जो फैली है उसके लिए हम सब अलर्ट रहें, हाथ खूब धोएं साबुन से और आज जैसा कि मोदी जी ने बताया कि नमस्ते कीजिए और नहीं तो ये स्टाइल चल रहा है सबसे बढ़िया इंडस्ट्री में और बस ये कि अलर्ट रहे ऐसे, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कल परसों भी पढ़ा कि मच्छरों के काटने से लाखों लोग साल में मरते हैं, तो ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है, अलर्टनेस चाहिए, बहुत इससे साफ़ सुथरा रहें, लोगों से हाथ कम मिलाएं और अपने आप को साफ सुथरा रखें, साबुन से हर वक्त हाथ धोएं, बच्चों को ज़रूर मास्क पहनाएं और मैं यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। मैं यही कहूँगा कोरोना वायरस से तो हम लड़ सकते हैं बट भाईचारे को बनाए रखना ही बहुत ज़रूरी है, हम उससे नहीं लड़ सकते। बहुत अच्छा, तो मेरा यही संदेश है इस देश के लिए कि सबसे पहले आपसी का भाईचारा बनाए, कोरोना वायरस से लड़ना बहुत आसान है, आपस में लड़ना बहुत ईजी है, तो आपस में लड़के आपस में एक ऐसा बॉन्डिंग बनाए कि इस वायरस से जो एक और बड़ा वायरस इस देश में पैदा हो रहा है वो पैदा ना हो, वो सब लोग समझ गए होंगे, देश और जमीन को बचा के चले, हमारा देश हमेशा से खुश रहा है और खुश रहेगा, हम हैं तो देश है, देश है तो फिल्म है और फिल्म है तो सब लोग हैं, इस फिल्म में सबने मेहनत किया है, सबका अपना अपना लगा है कंट्रीब्यूशन और किसी का भी कंट्रीब्यूशन छोटा और बड़ा नहीं है, सबने अपने हिसाब से बहुत मेहनत किया है, सबकी मेहनत की इज्जत करना चाहिए और इज्जत से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा और मैं यही चाहूंगा कि एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए, पता लगेगा कि एक औरत होती क्या है और औरत की जिंदगी क्या होती है, हम कोशिश करते हैं कि अपने घर की औरतों को छुपा के रखें और बाहर की औरतों पे उंगली उठाएं, तो हम वो उंगली ना उठा करके सिर्फ अपनी औरतों की इज्जत करें, औरत कोई भी हो इस समाज की, चलती हुई एक लड़की भी हो, अगर हम उसकी इज्जत कर लेते हैं तो हमारी उस माँ का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जिसने हमको जन्म दिया। सभी औरतों की इज्जत करे दमाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड और अजहर ने भी बड़ा अच्छा काम किया, मैं इसको भी मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आज तक मैंने अजहर के साथ कोई फिल्म नहीं की थी और एक छोटे से शॉर्ट से पता चल गया कि इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड। अजहर और मैं उस वक्त से हम लोग साथ में हैं जब हम लोग बड़े सोचते थे कि यार क्रिएटिविटी क्या होती, हम लड़ते थे कि और ये बड़े बैनर में काम करता था, मैं इसको बोला तू नौकरी क्या कर रहा है यार, चलो दोनों भाई लड़ते हैं, लड़ेंगे तब जाके यहाँ पे। और मैं आपके चैनल से एक माध्यम से एक चीज़ और बोलूँगा, मैं वुमेन्स के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक हम लोग को लाया, मेरी नेक्स्ट फिल्म है फरीदा, वो एजुकेशन तालीम की पिक्चर है, एक औरत तालीम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे तबाह करती है और तालीम के थ्रू वो अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाती है, तो मैं औरत की रिस्पेक्ट के साथ साथ उसको एक समाज में दर्जा देना चाहता हूँ, वो फिल्म का ही माध्यम है भले, और फिल्म का माध्यम छोटा नहीं होता है, फिल्म का माध्यम बहुत बड़ा होता है, हम सोचते हैं कि शायद ये बहुत छोटा है, फिल्म से लोग इतना कुछ सीखते हैं, इतना कुछ सीखते हैं कि बहुत कुछ सीखते हैं, मगर हम लोग सिखाना नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे मेरी नेक्स्ट फिल्म फरीदा है, एक फरीदा एजुकेशन बेस पर पूरी फिल्म है और ये एक औरत की ज़िंदगी कैसे जाती है कैसे आती है, सेम थिंग मीरा माथुर और फरीदा दोनों ही औरत हैं, तो औरत रिस्पेक्ट के लिए बनी है और रिस्पेक्ट करना ही चाहिए हमको, चाहे वो मरियम हो चाहे वो दुर्गा हो और चाहे वो रंजीत कौर हो, हमें औरत की इज्जत करनी ही चाहिए। थैंक यू। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, ये मीरा माथुर एक फिल्म जो है महिला दिवस पर इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है
और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, और मुझे लगता है कि अब हमारे देश में वो दिन आ गया है कि हमारे देश की नारी हर काम में है, सब पे भारी, और इसलिए पूरे विश्व के लोग हैं इनके आभारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम जो महिलाओं के लिए हर तरह से शुरू हुआ, चाहे फिल्मों में, चाहे राजनीति में, चाहे स्पोर्ट्स में, मैं सभी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा माथुरी फिल्म जो है, मुझे लगता है कि जिस लागत से बनी है, क्योंकि ये लक्ष्मी के लिए बनाई गई है, लक्ष्मी यानी घर की नारी, नारी के लिए बनाई गई, नारी जो है लक्ष्मी का रूप होती है, तो बहुत पैसा कमाएगी और इंस्पायर करेगी दूसरों को भी कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाए, महिलाओं महिला प्रधान फिल्म बनाए, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म बनाए और खूब अच्छा काम करे। डायरेक्टर राइटर साहब को तो मैं जानता हूँ, क्योंकि सर मैंने काम किया है टेंशन मत ले यार, हालांकि फिल्म का नाम टेंशन मत ले यार था, अभी तक फिल्म का टेंशन ले रहा हूँ कि कब रिलीज होगी भाई, कब रिलीज होगी पिक्चर, उसके तीन कलाकार इंतजार करते करते दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन बुरी बात है, लेकिन कब होगी रिलीज बता दो, टेंशन मत ले। वो तो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताओ, डायरेक्टर का नाम भी असगर था, वो सब निकल गया। असगर से यही बोल रहा है कि टेंशन मत ले यार, हो जाएगी रिलीज। असगर भाई जो है हमारे प्यारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान है, और उनकी फिल्म रिलीज होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। खैर, मैं वहाँ से जानता हूँ कि बंदे का सेंस ऑफ राइटिंग डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती लड़का है, इतना मेहनती लड़का कि इसको दाढ़ी वाड़ी करने का भी टाइम नहीं होता, इतना इतना काम में खोया रहता है, और धूल मिट्टी से इतना गोरा था एकदम, पता नहीं इस लेवल पर काम करता है कि ना मेकअप का टाइम है ना पैकअप का टाइम है, अपने 24 घंटे 24/7 काम में लगा रहता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोगों की जीत होती है, जिसे लोग पागल समझते हैं वही इतिहास रचते हैं। क्या बात, एक बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट बड़ी फिल्म तो महिला प्रधान है ही, शॉर्ट फिल्म भी महिला प्रधान है, रिस्पेक्ट वुमेन, जैसे कि फिल्म भी टाइटल ही सजेस्ट करता है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। क्या बात है, वाह वाह, नारी शक्ति का सम्मान किया जाए, नारी माँ भी है, बहन भी है, वो बात अलग की बीवी भी है, वो उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ और बीवी दोनों आदमी के जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, माँ जिंदगी देती है, बीवी जीने जीने देती है आपको, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ में आती है। तो मुझे लगता है कि नारी को फिर एक बार सुप्रीम पावर कहा गया है, नारी शक्ति, ये जो शब्द पुरुष शक्ति शब्द इतना इंस्पायर नहीं करता है जितना नारी शक्ति करता है, तो ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम है, और मैं समझता हूँ कि दोनों ही चीज़ों में महिलाओं का नाम है, महिलाओं की शक्ति है, सारी शक्ति है, तो ये दोनों ही चीज़ें अपने अपने क्षेत्र में सुपर डुपर से हिट, सुपर डुपर से भी ज़्यादा हिट हो जाएगी, और नारी से जुड़ा हुआ हर चीज़ पुरुष सम्मान करता है उसका, इस चीज़ के लिए भी इत्तफाक से आज महिला दिवस होते हुए भी संडे मतलब बेटों का भी दिन है, क्या बात है, कुदरत कहीं ना कहीं ये कुदरत ने बता दिया कि नारी भी 50% है, पुरुष भी 50%, और दोनों को मिलकर ही ये संसार चलेगा, तो ये पूरे संसार की तरफ से इन दोनों चीज़ों को, नारी और पुरुष को, और माथुर को और रिस्पेक्ट वुमेन को, दोनों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सर, आप कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति जो है, महिला दिवस जो है वो साल में एक बार मनाया जाता है, तो फिर बाकी दिन पुरुष दिवस मनाया जाता है कि नहीं? मैं माता बहनों से करता हूँ कहना चाहता हूँ कि महिला वुमेन्स डे जो है साल में एक बार आता है, तो बाकी दिन पुरुषों का भी दिन मनाओ, उसको उनको भी रिलीफ दो। कि मैंने देखा बंदा कह रहा था कि दुनिया की जितनी औरतें मेरे लिए प्रेरणा है, प्रेरणा है, बाद में पता लगे प्रेरणा का पति था वो। तो अगर मारे कभी कुछ लोग ऐसे भी निकलाते हैं, और नारी से, नारी के नाम है जैसे करुणा, करीना, अभी पता नहीं चाइना से कोई आई कोरोना। तो मैं समझता हूँ कि इससे बच कराना चाहिए, आजकल मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं, और लोग जब बातचीत करते हैं आपस में, तो मास्क लगाने के बाद नॉर्मल आदमी भी महाबली खली हो जाता है, नॉर्मली बात करते ना, और कैसे है आप, क्या है, मास्क के बाद खली हो जाता है, और दोनों खली अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं उस कम्युनिकेशन को नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मानता, मैं बोलता हूँ मास्क कम्युनिकेशन चल रहा है। तो कोरोना से डरो ना, क्योंकि मोदी जी ने कहा, मित्र हमारा देश चाय पीने वालों का देश है, चाय का देश है, कोरोना वहीं होता है जहाँ चाय का अपमान होता है, जहाँ लोग कहते हैं चाय ना, चाय ना, मेरे चैनल पे कहता है, चैनल पे यानी हमारे मिस्टर सुफियान कपाड़िया,
बहुत ही प्यारा नाम है, डिम्पल कपाड़िया के पड़ोसी लगते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो इनकी इनके अच्छा मेरा तो खुशकिस्मती है कि इनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। ये हमारी खुशनसीबी, दोनों पार्टी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये हमारी खुशनसीबी, और दोनों ने मिलकर जो पार्टी दी है मुझे यहाँ भी आने का मौका मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी मेरे लिए ग्रेट है। तो सुफियान, आपने जो रिस्पेक्ट वुमेन के शब्द का जो सम्मान किया है और महिलाओं के लिए जो शॉर्ट फिल्म बनाई है जी, ये भले तुमने शॉर्ट बनाई है लेकिन इसके विचार बहुत तगड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और ये मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजेंगे और हर बंदा हर फैन इसे देखना पसंद करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करेगा। बिल्कुल, आज 8 मार्च है और ये रफबुक पिक्चर्स नामक चैनल पे ये ये शॉर्ट फिल्म आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है रिस्पेक्ट वुमेन्स, और मेरे साथ मेरे भाई मेहुल भाई इस शॉर्ट फिल्म में आपको दिखेंगे। मेहुल भाई क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए रिस्पेक्ट वुमेन के दिन, मतलब वुमेंस डे के दिन। हम लोग का यही सोच थी कि एक वुमेंस को लेके लोगों को जागरूक करें, सब्जेक्ट दें। हालांकि अभी आजकल बड़ी बैनर पे भी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही जो वुमेंस को ओरिएंटल है, जैसे कि अभी सांड की आँख, पंगा, थप्पड़, काफ़ी ऐसी फिल्में आई। तो हमने सोचा एक शॉर्ट फिल्म बनाते जिसके जरिए हम भी लोगों को एक अच्छा मैसेज दे सके वुमेन जागरूकता के बारे में। हमने ये छोटी सी 5-6 मिनट की फिल्म के अंदर यही दर्शकों को दिखाना चाहा कि औरत, जैसे सुनील जी ने बताया, माँ भी है, जैसे सुनील जी ने बताया कि औरत जो है तो हमारी परिवार में अलग अलग रूप में होती है, माँ, बहन, भाभी, ये वो, तो जो भी हो उसको देखने का जरिया एक ही होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए सबसे पहले इनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमने एक दिखाया कि एज एन एक्टर एक बंदा है जो लड़कियों को देख के उनके बारे में गलत सोचता है या गलत विचार रखता है, तो विचार उनको उस दूसरे जरिए की तरह हमने दिखाया कि भाई यही विचार अगर आप अपने परिवार की औरतों के बारे में सोचोगे तो आपको कैसा लगेगा। उससे उससे रियलाइजेशन होता है कि हमें लाइफ में कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से औरतों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमने पूरी मेहनत दिल से कोशिश की, हमारे डायरेक्टर अर्ज हुसैन साहब ने उसके लिए अच्छी मेहनत की, हमने बहुत 2 दिन के अंदर ये फिल्म शूट की है। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ सुनील पाल जी का और राहुल जी का भी, कि राहुल जी ने भी उन्होंने महिला को लेकर फिल्म बनाई है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। और मैं चाहूँगा कि ये रफबुक चैनल पर जो हमारी फिल्म आज लॉन्च हुई है रिस्पेक्ट वुमेन, सभी दर्शक इसे देखे, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है, ये इन्होंने लिखे, इनकी कलम से आई है। सुनील भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि चंद पहले से ही गागर में सागर भरने की आदत है, तो चंद शब्दों में जो कह सकता था, जो लिख सकता था वो लिखा है। अच्छा लगेगा आप सबको देख कर, और जो लिखा है लाइन बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। तो 8 मार्च जो कि आज है वुमेन्स डे, तो इस दिन पर आपको रिस्पेक्ट वुमेन जरूर देखनी है, और 20 मार्च को हमारे भाई राहुल भाई की फिल्म देखनी है मीरा मार्क। मीरा मार्क हमें कितना लकी हूँ।